हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड, बारिश का मौसम शुरू हो गया। हमारे यहाँ भी दो तीन दिन से बारिश हो रही है, तो कल तो पूरी दिन बारिश हुआ था, रात में भी, रात सुबह से छोटा हुआ है लेकिन हल्के हल्के देर में हल्की सी बारिश हो जा रही है। फ्रेंड, तो कुछ ऐसा प्लांट है फ्रेंड जिसको बारिश का पानी पसंद नहीं है। बाकी तो सारे प्लांट्स भी हैं, या जंगलों में प्लांट है या घास वगैरह है, उसको बारिश का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ग्रीन ग्रीन दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं फ्रेंड जिसको बारिश का पानी नहीं पसंद है, और ज़्यादा बारिश का पानी पड़ने से भी वो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला प्लांट देख सकते हैं फ्रेंड, ये एडेनियम का प्लांट है, ये देख सकते, जिसको डिजर्ट रोज भी कहते हैं। इसको भी बारिश का पानी ज़्यादा नहीं पसंद है। ज़्यादा बारिश का पानी गिरने से ये जो कॉर्टेक्स होता है इसमें पानी रहता है और यहीं से गलना शुरू हो जाता है। या तो बीच से निकल ख़राब हो जाएगा या तो नीचे से। तो बारिश से हटा कर रखें और इसको चेक भी कर लें। बारिश का मौसम, इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा, और पूरे प्लांट को भी चेक कर लें कि प्लांट ख़राब तो नहीं हो रहा। अगर ख़राब होता तो वहाँ से कट करके इसको आप नया बना सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये रेड कलर का है, तो इसको भी अभी हम उठा करके साइड में रख देंगे, क्योंकि इसको भी ज़्यादा बारिश का पानी पसंद नहीं है। और देख रहे हैं बादल भी इस तरह से गरज रहा है। और दूसरा प्लांट है फ्रेंड सकुलेंट का, कोई भी सकुलेंट का वैरायटी जो होता है उसको बारिश का पानी नहीं पसंद है। फ्रेंड, ये आप जो पॉट देख रहे हैं इसमें सीडम ग्रास लगा हुआ था, और दो दिन का बारिश में ये पूरा जो है ये ख़त्म हो गया है। देख सकते हैं कहीं कहीं पर इसका लीफ भी बचा हुआ है, लेकिन ये पूरा प्लांट जो देख रहे हैं एकदम गल के ख़त्म हो एक ही दिन में। तो इसी का कुछ छोटा भाग है, ये देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ था उसको यहाँ पर लगा दिया, एक और छोटा सा सैंड में लगा करके इसको नीचे ला कर रख दिए हैं। तो देखिए फिर इस तरह से सीडम ग्रास होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सकुलेंट का कोई भी वैरायटी को मतलब पानी पसंद नहीं फिर ज़्यादा, तो उसको सैंड में लगा के थोड़ा सा नीचे रख दिए। चलिए और भी दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड, कलंजकोए का प्लांट है, इसको भी बारिश का पानी पसंद नहीं है, या ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। ये भी सकुलेंट वैरायटी, इसकी भी लीफ को देखिएगा तो हल्का सा मोटा मोटा दिखेगा। इसका भी बहुत सारा कटिंग देखिए लगा दिए हैं, और सही चल जाता, थोड़ा छोटा भी कटिंग भी रहेगा तो भी आसानी से चल जाता है। एक तो फ्लावर भी आना शुरू हो गया है। इसको भी जितना ज़्यादा कटिंग करके आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, और इसको भी छांव में रख दीजिए, ऐसे जगह पर रखिए जहाँ बारिश का डायरेक्ट पानी इस पर ना पड़े। फिर ये भी बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाता है। चलिए और भी दिखाते हैं। यह है बिंका का प्लांट फ्रेंड, बिंका में बहुत सारा कलर होता है, मेरे पास में बहुत सारा कलर था अभी फ्रेंड, तो देख सकते हैं कितना ख़राब होते जा रहा है। एक ये प्लांट जो है थोड़ा अच्छा रह रहा है, और एक दो और प्लांट है जो अच्छा है। इसका भी कटिंग करके बहुत सारा प्लांट बना करके हम नीचे रख दिए हैं, क्योंकि ये भी बारिश का पानी इसको पसंद नहीं फ्रेंड। इसको अगर नीचे भी रख दीजिएगा तो भी अगर मॉइस्चर रहेगा, दो तीन दिन तक बारिश होते रहेगा, तो इसका भी ब्रांच जो है जहाँ तहाँ से गल करके ख़राब होता जाएगा। फ्रेंड, इसको भी बारिश का पानी ज़्यादा नहीं पसंद है, तो इसको भी उठा करके छांव में रख सकते हैं। देख सकते हैं कितना सारा कलर है, और इसका सीड से भी लगा हुआ ये प्लांट है। फिर इधर वाइट है, ये देसी वाला है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा और इसमें भी कुछ भी नहीं होगा, इसको भी बारिश का पानी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाईब्रिड वाला जितना भी रहता है सब ख़राब हो जाता है। एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बेबी सनरोज का प्लांट है, ये केवल सैंड में लगा हुआ तो इसलिए बच गया, और ये देख सकते हैं नीचे में ये पूरा ख़राब होते जा रहा है। इसका कटिंग टूट गया था, गिर गया था, तो इसमें बहुत अच्छा हो गया था लेकिन ये भी ख़राब हो गया। इसको भी, बीबी सनुज को भी बारिश का पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये जितना ज़्यादा धूप रहेगा प्लांट उतना ही ज़्यादा हरा भरा रहेगा, और इसको कम पानी की भी आवश्यकता होती है। और ये देख सकते हैं फिर, ये बिगुनिया का प्लांट है, ये रेड बिगुनिया है, मेरे पास में पिंक वाला भी, इसको भी नीचे ला करके हैंगिंग बास्केट में लगा के रख दिए। देखिए एक दिन केवल बारिश का पानी में छूट गया था, तो देख सकते हैं इसके लिए कैसे करके ये जो है ख़राब होते जा रहा है। तो इसको भी नीचे उठा के ला दिए हैं, क्योंकि एक ही बचा हुआ है और बहुत ही भूसी प्लांट था और भी गमला में पॉट में, लेकिन सब ख़राब हो गया, तो इसको नीचे उठा के ला के रख दिए हैं। अगर एक भी बच जाएगा तो इस तरह से कटिंग भी लगा दीजिएगा, तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इसको भी नीचे ला करके रख दिए फ्रेंड। तो कुछ थे ऐसे प्लांट जो बारिश का पानी जिसको पसंद नहीं है, इसको छांव में उठा के ला दीजिए, करके रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट इसकी बारिश के पानी इस पर न गिरे, तो ये प्लांट भी अच्छे से चल जाता है। जब बारिश रुक जाए तो फिर इसको धूप में रख दे। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं आप सबों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्लांट का ख्याल रखिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।